हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज से 2 या 3 साल पहले मेरा वेट 80 kg था और अभी मेरा वेट 52 और 53 है। तो मैं आपके साथ अपनी छोटी छोटी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिससे आप भी अपना इतना वेट लूज कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग अपना वेट रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अक्सर मुझसे लोग पूछते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ वेट रिड्यूस करने के लिए, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोटिवेशन। आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा कि हाँ, हमें वेट लूज करना है। आपको हमेशा वेट लूज करने के लिए आपको एक एनर्जी होनी चाहिए अपने अंदर, तभी आप अपना वेट रिड्यूस कर पाएंगे। टिप नंबर 2, बाहर का खाना आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। बाहर का जंक फूड आपको नहीं खाना है। आपको जो भी खाना है, जो भी आपको बाहर की कोई भी चीज़ खानी है, वो आप अपने घर में बनाएंगे। दैट इज़ मोर हेल्दियर एंड उससे भी आपका वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा। नंबर 3, इफ़ यू डोंट गो टू जिम, अगर आप जिम नहीं करते, तो आपको सुबह और शाम को ब्रिस्क वॉक करनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सेहत के लिए तो अच्छी होती ही होती है और वेट लॉस में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, आप ये वेट लॉस अगर जर्नी स्टार्ट करेंगे तो बहुत बारी आपको बीच में लगेगा कि आपसे तो नहीं हो रहा है, और आपको लगेगा कि यार हमारा तो वेट बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। ये अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ आ जाता है और उस टाइम पे लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जब तक अपने गोल तक पहुंच ना जाए, मतलब आपका जो गोल है, आपका जो आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट इतना होना चाहिए, जब तक आप उस वेट तक पहुंच ना जाए, तब तक आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखना है। आपको हार नहीं माननी है। और दोस्तों, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको शुगर का इंटेक कम कर देना है, क्योंकि शुगर आपके वेट को रिड्यूस होने नहीं देता है। शुगर और सॉल्ट, ऊपर से हम जो सॉल्ट डालते हैं, हमको वो भी नहीं डालना है। इन दो चीज़ों का आप सेवन करना एकदम बंद कर दीजिए। उसके अलावा आप हमेशा गर्म पानी यू कैन टेक फ्रूट्स, सैलेड, ये सब चीज़ें आपको लेनी है। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, तो आपके पास बहुत सारी वैरायटीज़ है नॉन वेज। यू कैन हैव चिकन ब्रेस्ट, यू कैन हैव एग्स, और नॉन वेज में बहुत सारी वैरायटीज़ हो जाती है। इवन जो लोग वेजिटेरियन है, वो पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, किडनी बीन्स जिसे हम राजमा कहते हैं, वो ले सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें खानी, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। और आपको वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा ये चीज़ ध्यान रखनी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लें, और आपको कार्बोहाइड्रेट अपना कम करना है। जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, जो भी चीज़ आप इनटेक कर रहे हैं, आप उसका ध्यान रखें कि आप क्या चीज़ें खा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है। आज ये वीडियो मैंने बहुत सिंपल एंड शॉर्ट रखा है, क्योंकि मैंने जब अपना वेट लॉस का जर्नी स्टार्ट किया था, तो मैंने यही सिंपल चीज़ें, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ अगर हमको अचीव करनी है, तो हम छोटे छोटे गोल्स बना के ही हम बड़ी चीज़ें अचीव करते हैं। तो मैंने यही सिंपल चीज़ें सबसे पहले फॉलो की थी, तो आप इनको सबसे पहले फॉलो कीजिएगा, फिर जाके मैं आगे भी आपके साथ बहुत सारी ये वीडियोज़ लेके आऊँगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। मैं अपना डाइट चार्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे मैंने अपना इतना सारा वेट लॉस किया है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स और जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, वो भी अपना बहुत सारा वेट रिड्यूस करें। तो बाय दोस्तों, वापस मिलूंगी एक ऐसी नई और इनोवेटिव रेसिपी के साथ।